टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के निर्देश पर जिले भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर सुबह से ही भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा सभी बूथों पर साफ सफाई का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में शहर के हर्राज की चुंगी पर बूथ नंबर 84 पर जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता के द्वारा स्वच्छता सेवा कार्य किया गया, तो वही सिविल लाइन चौराहे पर स्थापित प्रतिमा की भी साफ सफाई के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त, धर्मेंद्र सिंह, नगर उपाध्यक्ष नीरज सिंह, शेखर लाल श्रीवास्तव, नगर उपाध्यक्ष नवनीत गुप्ता, धर्मवीर चौहान, संतोष चौहान, पप्पू मदनवाल, जिला कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, दीपक मौर्य, जिला मंत्री जूली श्रीवास्तव आदि कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान में शामिल होकर पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि किए। कोविड 19 का टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज पुलिस अधिकारियों को वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज पांडे, एसपी ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी लायंस राजेश कुमार व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता को मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में कोविड 19 का पहला टीकाकरण लगाया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कर्मचारी व जनता से टीकाकरण हित अपील भी की गई। सुधीर कुमार सिंह, एसएसपी आजमगढ़ हूँ। आज मेरे द्वारा ये वैक्सीनेशन कराया गया है कोविड का, और आज से पुलिस का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। मैं, मेरे साथी एसपी सिटी साहब, एसपी ट्रैफिक साहब, क्षेत्राधिकारी, सभी ने यहाँ पर वैक्सीनेशन कराया है, और हम लोग यहाँ पर आधा घंटा रुक के अब जा रहे हैं, और बहुत कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं सबको कि जिसका नंबर आता रहे वो वैक्सीनेशन कराएं, ताकि भविष्य में कोविड होने की संभावना ना रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आए जल्द पाए। संपर्क करें इन नंबरों पर। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू का अहम गवाह व गैंगस्टर अजीत हत्याकांड में शूटर गिरधारी ने हत्या की बात कबूल कर ली है, जिसमें माफिया डॉन कुंटू व अखंड का नाम लिया है। गिरधारी को कल दिल्ली पुलिस लखनऊ लाई थी, जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। कल पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल सकती है। पूछताछ में गैंगवार से जुड़े कई और राज खुलने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि 6 जनवरी को गैंगवार में मऊ जिले के अपराधी अजीत सिंह उर्फ राणा की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गिरधारी, कुंटू, अखंड सहित कई के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। लखनऊ पहुंचते ही गिरधारी उर्फ कन्हैया ने अजीत उर्फ लंगड़ा की हत्या की बात कबूल ली। आज कस्टडी रिमांड पर कमिश्नरेट पुलिस के हवाले करेगी पूछताछ के दौरान पुलिस को कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। लखनऊ पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि हत्या के पीछे असली चेहरा कौन है, कुंटू और गिरधारी का गैंग वार में कितना हाथ है। ऐसे ही कई सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस के पास ऐसे 50 सवाल तैयार हैं जो गिरधारी से पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश का टॉप 10 अपराधी कुंटू सिंह का मुख्य शूटर गिरधारी है, जो बहुत ही सातर दिमाग का है। जमगढ़ शहर में विभिन्न स्थानों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। वक्ताओं ने दीनदयाल के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किए तथा उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। नगर के प्राथमिक विद्यालय निबी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। उपस्थित लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर क्षेत्र के आईटी सेल के प्रभारी निखिल राय ने दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा दी। प्राथमिक विद्यालय ने भी पर साफ सफाई किया गया तथा जरूरतमंदों में खाद्यान्न सामग्री वितरित किया। भाजपा नेता गोरखपुर क्षेत्र के आईटी सेल प्रभारी निखिल राय ने कहा कि हर जरूरतमंदों की मदद करना दीनदयाल जी का सपना था। भारत स्वच्छ और सुंदर बने, उनके सपने को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे। क्या कुछ कहा निखिल राय आईटी सेल प्रभारी गोरखपुर क्षेत्र ने, आपको सुनवाते हैं। आज हम परम श्रद्धे पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं अपने बूथ पर ग्राम निवी में, और पंडित दीनदयाल जी के इस पुण्यतिथि पर हम झाड़ू लगाकर इस प्रांगण को साफ किए हैं। इस विद्यालय को, सरकारी विद्यालय है हमारे गांव का, स्वच्छता अभियान चलाया है, लोगों को जागरूक किया है कि वो अपने अगल बगल, अपने घर को हमेशा स्वच्छ रखें और जल संरक्षण करें और प्लास्टिक का उपयोग ना करें। पंडित दीनदयाल जी का सपना था गांव, गरीब, किसान, नौजवान,
शोषित वंचित हर वर्ग को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का, इस सपने को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर गरीब को छत, हर पेट को रोटी दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लाया और उन्होंने सभी को जो है मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, और सभी के बीच में जाकर उन्होंने जो है मुफ्त जो है अनाज बांटा। तो इस तरह का जो अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ये चला रहे हैं और ये पंडित दीनदयाल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। आज पूरे देश में भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि स्वच्छता सेवा कार्य के रूप में मनाई जा रही है। इसी क्रम में भाजपा जनों ने नगर के दीनदयाल चौक पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में अखिलेश मिश्रा, गुड्डू सहित भारी संख्या में भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर नमन किया। तत्पश्चात भाजपा कार्यालय पर भी समारोह का आयोजन कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि दी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने TV20 न्यूज को बताया कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही देन है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। हम सभी दीनदयाल उपाध्याय के जीवन, उनके आदर्शों को लेकर भाजपा भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा अखिलेश मिश्र गुड्डू, भाजपा ने वर्तमान नगर अध्यक्ष विनय गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल सहित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। आज हमारे जो जनसंघ के पीड़ा स्रोत, जो जिनकी सोच थी एकात्म मानववाद, आज ऐसे महानायक जिनके जो है द्वारा नींव रखी गई जनसंघ की, और पहले महामंत्री के रूप में उन्होंने जनसंघ में काम किया, और उनकी देन है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी इतना ऊंचाइयों पर पहुंची है और आज पूरे भारत के साथ साथ विश्व में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, यहाँ के प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा है, वो सोच थी अपने पंडित दीनदयाल जी की। आज उनका समर्पण दिवस है, उनके समर्पण दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जनपद आजमगढ़ में 1987 बूथों पर आज उनका समर्पण दिवस मना रही है। उसी के क्रम में परंपरागत अनुसार हम सब लोग प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल जी के सिविल लाइन मूर्ति से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शुरू करते हैं। उसी के तहत आज यहाँ हम सब भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे अखिलेश मिश्र जी हैं, यहाँ चुनाव लड़े सच्चिदानंद सिंह जी हैं, प्रेम प्रकाश राज जी हैं, घनश्याम पटेल जी हैं, माला द्विवेदी जी हैं, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। यहाँ हम लोग पुष्प अर्पित करके शुरुआत किए हैं और सभी लोग अपने अपने बूथों पर यह काम कर रहे हैं, सेवा काम, सफाई काम, श्रद्धांजलि काम, और हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय में मौनी अमावस्या पर प्रसिद्ध धार्मिक स्थलीय अवंतिकापुरी आवक धाम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, स्नान कर लोगों ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। क्षेत्र की नाग यज्ञ भूमि अवंतिकापुरी धाम स्थित 84 बीघे के जल सरोवर में गुरुवार को भोर में श्रद्धालु जुट गए। घने कोहरे के चलते देर से स्नान प्रारंभ हुआ। सरोवर में स्नान कर मंदिर में लोगों ने पूजन किया। इस दौरान जयघोष से वातावरण भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अवंतिका सेवा समिति ने अलाव की व्यवस्था के साथ घाट पर देखरेख में लगे रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस में मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूरे जिले भर में कार्यक्रम चलाया गया था।
जिसका परिणाम भी सामने आ गया था और उसके लिए जमीन का भी प्रस्ताव पास कर शासन को भेज दिया गया था और धन भी आवंटित हो गया था। लेकिन अब विश्वविद्यालय को कहीं अन्यत्र भेजने के प्रस्ताव की बात सुनकर अभियान से जुड़े लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जहां पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। पत्रकारों से बातचीत में विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय में सम्मिलित आजमगढ़ और मऊ के छात्र छात्राओं की सुविधा को देखते हुए आजमगढ़ मऊ फोरलेन पर स्थित सागर के समीप मोहब्बतपुर गांव के निर्विवाद जमीन का प्रस्ताव अगस्त 2019 में जिला प्रशासन के द्वारा भेजा गया। 38 एकड़ ग्राम सभा की जमीन के अलावा 327 काश्तकारों को 20 करोड़ का भुगतान कर शेष आवश्यक जमीन का बैनामा अधिग्रहण किया जा चुका है, किंतु 9 फरवरी 2021 को अचानक उक्त जमीन को लोलैंड बताकर विश्वविद्यालय के जनपद मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर अम्बेडकर नगर की सीमा पर जमीन प्रस्तावित किया जा रहा है, जो कि नितान्त अव्यवहारिक अहबादपुर की जमीन लगभग 8 एकड़ डाले हैं तो वहाँ 20 एकड़ के क्षेत्रफल की 20-30 फीट ऊँचे भीटा भी है जिन पर आज तक कभी पानी नहीं पहुंचा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ मऊ फोरलेन से सटे मध्य में स्थित यह जमीन विश्वविद्यालय के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हम सभी ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जनपद के छात्र और छात्राओं के हित को देखते हुए विश्वविद्यालय के लिए मोहब्बतपुर की जमीन पर से शिलान्यास कार्यक्रम कराया जाए। आज सुनाते हैं डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव संयोजक विश्वविद्यालय अभियान और अमिता द्विवेदी संयोजिका ने क्या कुछ कहा। आज हम लोग को इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि परसों एक खबर आई कि माननीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ से 45 किलोमीटर दूर नेहरी जो अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पर स्थित है वहाँ का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के लिए बना करके शासन में भेज रहे हैं, जबकि 1.5 साल पहले आजमगढ़ मऊ मार्ग पर स्थित सागढ़ के पास मोहब्बतपुर की ज़मीन को एक्वायर किया गया था और वहाँ के यहाँ जो काश्तकार जुटे हुए हैं 327 काश्तकारों की जमीन भी एक्वायर की जा चुकी है, जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपया उनका भुगतान किया जा चुका है और वहाँ पर लोलैंड उसके साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ न किया जाए। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो निश्चित रूप से हम लोग ने लगातार आंदोलन करके 5 साल लगातार आंदोलन किया गया, तब जाकर के ये विश्वविद्यालय आजमगढ़ को मिला है, जिसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बार बार आभार प्रकट कर चुके हैं। लगातार इसी बगल में 65 दिन अनशन चला, उसके पहले तमाम बहिष्कार यात्राएं निकाली गई, आप सब उसमें सहभागी रहे हैं। यहाँ की जनता ने विश्वविद्यालय लड़ के लिया है, ये किसी ने खैरात में नहीं दिया है, इसलिए हम लोग आगाह करने आए हैं जिला प्रशासन और लोक निर्माण मंत्री लोक निर्माण विभाग को, जो ये बार बार कह रहा है कि वो लो लैंड है वहाँ पर हमको 50 करोड़ रुपया दिया जाए मिट्टी पाटने के लिए। ये भ्रष्टाचार, ये मिट्टी का खेल नहीं होगा, इसकी चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। जाहिर सी बात है, अभी हमारे संयोजक डॉक्टर सुजीत श्रीवास्तव ने आपको इसके बारे में बताया है कि यहाँ से विश्वविद्यालय अन्यत्र ले जाया जा रहा है, जो कि हम नहीं ले जाने देंगे। बहुत मेहनत करके आधी आबादी ने पुरुषों के साथ मिलकर इस जंग को जीता है और हाँ सही है कि किसी ने खैरात में नहीं दिया है, ये हमारी मेहनत थी, हमारा परिश्रम था, हमारा अथक प्रयास था जो कि विश्वविद्यालय हमें मिला। और हम अभी तो विनम्र अनुरोध करते हैं और अंत में हम चेतावनी देंगे कि विश्वविद्यालय अभियान मोहब्बतपुर में ही बनेगा और वहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमारी बहुत लड़कियां जो कि इस चीज़ से पीछे हट जा रही हैं, नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी योग्यता को दबा दिया जा रहा है, उन्हें वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। वही चीज़ को लेकर हम लोग शहर में मांग रहे थे आजमगढ़ विश्वविद्यालय अभियान विश्वविद्यालय को, और हम चाहते हैं कि वो वहीं पे। अगर ऐसा नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? जैसे हमने 65 दिन का अनवरत अनशन किया था, उस बारिश में उस कोहरे में हमारे जो विकलांग बच्चे हैं वो भी उस झोपड़ी में बैठे हुए थे, और ये सोचिए कि तिरपाल भी नहीं था, वो पॉलीथीन का टेंट बनाया गया था, और जब इतनी मेहनत से हमें विश्वविद्यालय मिला है तो हम उसको लेके रहेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम फिर उसी तरह के आंदोलन को जिंदा रखेंगे। ऑटो रिक्शा चालक समिति द्वारा मेहता पार्क पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और हड़ताल करते हुए सभी ई रिक्शा व ऑटो को सड़क पर नहीं उतरने दिया गया, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी और एक ज्ञापन DMO मंडलायुक्त को दिया गया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने TV20 न्यूज़ को बताया कि सरकार द्वारा हमसे 15 साल का परमिट का पैसा लिया गया है, जबकि हमें 10 साल का ही परमिट दिया जाता है, जिसके लिए कई बार ऑटो चालक संगठन अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा चुका है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कार्यक्रम में यूनियन के संरक्षक प्रभु नारायण प्रेमी सहित भारी संख्या में यूनियन के नेता व ऑटो चालक उपस्थित थे। वही ज्ञापन लेने आए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वस्त किए कि ऑटो यूनियन की मांग मंडलायुक्त तक भेज दी जाएगी
और जो भी मांगे हैं जिससे उस पर उचित कार्रवाई हो सके और आपकी मांगे सफल हो सके, क्या कुछ कहा प्रदेश अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। कुछ अलग का हड़ताल चल रहा है, ज्ञापन दिया गया, क्या करें सर? देखिए, इनकी कुछ मांगे हैं जिसके चलते इनका ये धरना प्रदर्शन आज हुआ है, जिसमें सड़कें हैं या फिर अन्य इनकी जो मांगे हैं तो ज्ञापन ले लिया गया है। इनकी मांगे जो हैं मंडलायुक्त महोदय के यहाँ पहुँचा दी जाएंगी और उन पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द की जाएगी। घोषणा करनी पड़ी और सबको, सब आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, ऑटो चालकों को, सभी पदाधिकारियों को, पूरे जनपद के ऑटो रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज की हड़ताल 100% नहीं बल्कि 1000% सफल रही और मरीजों की गाड़ी, बच्चों की गाड़ी, बुजुर्गों की गाड़ी, जो मरीज थे उनके लिए छूट दिया गया था। हम लोगों की मांगे हैं, पाँच मांग है हम लोगों की मांग है, 10 साल के बजाय 15 साल की परमिट दिया जाए। दूसरी बात है ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के लिए अस्थाई स्टैंड दिया जाए। तीसरी मांग है ये जो पुलिस का उत्पीड़न है, हमारी गाड़ी पुलिस का उत्पीड़न करती है, चालान करती है, एक तो बात, दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ी होती है तो लोग, वो भी लोग हम लोगों को प्रताड़ित करते हैं और तमाम लोग प्रताड़ित करते हैं, वह प्रताड़ना बंद हो। दूसरी तरफ हमारी गाड़ी के जो 48 केंद्र ARTO द्वारा बनाया गया है वो भी 48 केंद्र जो है स्थापित किए जाएं, तथा आजमगढ़ में नगर और देहात में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, जो अभी यहाँ का जो पुल है ओवरब्रिज वो क्षतिग्रस्त है, ये सारे क्षतिग्रस्त सड़कों को बनाया जाए। इससे पहले भी आप लोगों का कई बार धरना प्रदर्शन हुआ लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ, तो हम इसीलिए हड़ताल पर आए। अभी आज तो हम हड़ताल पर आए, यह हड़ताल हमने शांतिपूर्वक किया, हमारे पूरे जिले से सभी कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर आए। अब इसके बाद हमारा अलग अलग कार्यक्रम चक्का जाम का होगा। अब इसकी तिथि निर्धारित। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज फिर कोरोना टीकाकरण वैक्सीनेशन की कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो गई, जिसमें 75 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें तहसील कर्मचारी तथा ब्लॉक कर्मचारी शामिल होंगे और यह टीकाकरण शाम 5 बजे तक चलेगा। टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, यदि किसी मरीज को कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए एक अलग से रूम और डॉक्टरों को तैयार रखा गया है। वैक्सीन लगाने के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के पहचान पत्र, आधार, पैन कार्ड को देखकर उसको वैक्सीनेशन रूम में क्रम से भेजा जाएगा एवं वैक्सीन लगने के बाद 45 मिनट तक प्रतीक्षा रूप में इंतजार करने के बाद ही जाना होगा। आप सुनाते हैं कि चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने क्या कुछ कहा। आज किसका किसका हो रहा है, कितने लोगों का होना? आज हमें 75 लोगों का कोविन ऐप से नाम मिला है, जिसमें कि ब्लॉक कर्मचारियों का और तहसील कर्मचारी बुढ़नपुर के एम्प्लाइयों का नाम है, जिसमें 75 लोगों को आज पूरे 9 बजे से 5 बजे तक हमको टीकाकरण करने का मिला है। इसमें टीकाकरण चल रहा है, अब तक 30-35 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, किसी तरह का AFI का कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं है और इसी तरह हम कल भी करेंगे। 173 कल की लिस्ट आई है 12 फरवरी को, जिसमें तहसील कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी, कुछ पुलिस पर्सनल भी, उनको भी हम को वैक्सीन से उनको टीकाकरण के आच्छादित करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची है, जहां पर प्रयागराज एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद एयरपोर्ट से आनंद भवन के लिए प्रियंका गांधी रवाना हुई। आपको बता दें कि प्रयागराज आनंद भवन में रखी पंडित नेहरू की अस्थियों का संगम में विसर्जन से पूर्व प्रियंका गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित किया। उसके बाद प्रियंका गांधी ने प्रयागराज आनंद भवन स्थित अनाथालय में बच्चों के साथ भी कुछ पल बिताए। आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के रंजीश में गुरुवार को एक और हत्या हो गई। दिनदहाड़े असलाधारी बदमाशों ने BDC को गोलियों से भून दिया। दिनदहाड़े हुई हत्या से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैनपुर कोतवाली के अशरफपुर गांव निवासी 36 वर्षीय आलम पुत्र कुतुबुद्दीन BDC था, पैर से दिव्यांग भी था। वह किसी कार्य से गुरुवार को सुबह घर से अपनी 3 पहिया स्कूटी से बनकर बाजार गया था। वहां से वह दोपहर लगभग 2 बजे वापस घर आ रहा था। रास्ते में असरापुर गांव के भट्टा के पास पहुंचते ही अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उन्हें 3 गोली लगी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य की हत्या की खबर मिलते ही SP सुधीर कुमार सिंह के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो यह पुलिस अधीक्षक का कहना है कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। एक पूर्व BDC मेंबर था आलम,
उनकी मर्डर हुआ है, डेथ हुई है, उन्हें प्रथम दृष्टया गोली मारी गई, और ये विकलांग भी थे और जो ट्राईसाइकिल होती उससे चला करते थे। ये बनकट में कुछ व्यक्तिगत काम से गए थे, जो लौट रहे थे तो उनके साथ ये हादसा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये कोई व्यक्तिगत रंजिश का मामला लगता है, इस सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी इस केस का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल कर्मव्यवस्था की कोई स्थिति नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के दो से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस भी मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार वर्ल्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है, निकट कोटिला शंकरपुर चेक पोस्ट आजमगढ़। आजमगढ़ के मेनगर तहसील के बाहर खड़ी बाइक चोरी, जो ग्राम दामा निवासी हरिनार सिंह की थी, पीड़ित ने डायल 112 को दी सूचना। बाइक स्वामी ने अज्ञात के विरुद्ध दी तहरीर। मेनगर से धीरज तिवारी की रिपोर्ट। पूर्वांचल के विश्वकर्मा समाज के वाराणसी, जौनपुर, मऊ, अंबेडकर नगर तथा जनपद आजमगढ़ के नेताओं का विश्वकर्मा भवन नवली पर जमावड़ा लगा और पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने मुलाकात कर उनका हाल जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV20 न्यूज। आजमगढ़ जिले के बस्ती उगरपट्टी गांव मंदिर दुर्गा जी के स्थान पर बूथ संख्या 246 पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक, उत्कृष्ट राजनीतिक मूल्यों के प्रतीक, पुरुष कुशल संगठनकर्ता, एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे प्रगतिशील तथा सर्वसमावेशी विचारों के प्रतिपादक, प्रेरणास्रोत श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई पुण्यतिथि। आजमगढ़ से धीरज वर्मा की रिपोर्ट। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोगों ने किया? जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में हम लोगों ने आज बस्ती उगरपट्टी गांव दुर्गा जी के मंदिर के प्रांगण में सफाई अभियान कर चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाया गया, और आज हमारे आजमगढ़ में पूरे जितने बूथ हैं सब बूथों पर ये मनाया गया। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई को दबोच और सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना गंभीरपुर की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वही थाना सरायमेर पुलिस ने भी एक अदद तमंचा, 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी एक नफर वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर थाना तैबरपुर पुलिस की, तो थाना तैबरपुर की पुलिस ने भी एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना रानापार की पुलिस ने बछड़ा, बछिया, गाय व सांड के साथ एक ट्रक व लकड़ी सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वही दूसरी कार्रवाई में एक वारंटी को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आपको बताते चलें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र में हुए दुराचार के मामले में एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निजामाबाद मामले में क्या कुछ कहा SP आजमगढ़ में, आपको सुनवाते हैं। देख, निजामाबाद में भी सर बलतरक थाना निजामाबाद के एक डुबकी गांव में दुराचार का एक मामला पंजीकृत हुआ था। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ जनपद से बड़ी खबर है, जहां SP के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना दीदारगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना दीदारगंज पुलिस ने पुलिस पार्टी पर फायर करने वाले 50,000 के इनामी अभियुक्त श्याम बच्चन उर्फ अंतु को दिल्ली से धर दबोचा है, जो कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शातिर किस्म का अपराधी है, पहले भी इसके साथ पुलिस मुठभेड़ हो चुकी है, इसमें एक गिरफ्तार भी हो चुका है। इसके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। दीदारगंज पुलिस व स्वाट टीम की सख्त कार्रवाई में इस बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनाते हैं कि SP आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा। अंतु जो कि एक शातिर बदमाश है और 50,000 रुपए का इनामी बदमाश है, ये दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, और इसे गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अध्यक्ष दीदारगंज, उनकी टीम और प्रभारी स्वेट टीम ब्रजेश सिंह और उनकी टीम ये शामिल रहे,
और ये पहले भी एक छात्र बदमाश है, ये पहले भी पुलिस मुठभेड़ में वांटेड चल रहा था और उससे पहले भी एक और पुलिस मुठभेड़ में ये गिरफ्तार हुआ था। और छात्र बदमाश है, इसके जो साथी गिरफ्तार हुआ था उसके पास से 5 मोटरसाइकिल मिली थी और ये उसमें फरार हो गया था। तो आज इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से जो योजना बना रहा था ये और क्राइम करने की, उस पर लगाम लगी। तो किस तरीके का काम करता था, कितने दिन करता था ये? देखिए, सब तरह का काम करता था। अभी ये प्लान कर रहा था एक और मर्डर करने की दूसरे जनपद में, और इससे पहले मोटर चोरी के केस में ये था जिसमें वांटेड था, पुलिस मुठभेड़ में वांटेड था। चोरी का काम भी क्या करता था, हर तरह का जो काम भी इसे मिल जाता था वो काम ये क्या करता था। बहुत ही शातिर बदमाश है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया स्थित पौहारी बाबा देवस्थल से रानीपुर तक निकाली गई 108 कलश यात्रा। बता दें कि स्थानीय क्षेत्र के सरिया स्थित पौहारी बाबा देवस्थल से रानीपुर तक 108 कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। सर्वप्रथम सभी लोग रानीपुर ग्राम सभा से निकलकर पौहारी बाबा देवस्थल पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने डीह बाबा का पूजन किया और पौहारी बाबा के मुख्य मंदिर में पूजन का कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद सभी लोगों ने पौहारी बाबा के सरोवर से कलश में जल लिया और फिर वहां से रवाना हुए। कलश यात्रा अतरैठ बाजार से होते हुए बुढ़नपुर पहुंची। बुढ़नपुर चौक पर जाम न लगे इसके लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। सबसे अंत में श्रद्धालु रानीपुर गांव की परिक्रमा करते हुए ऐतिहासिक मां काली के मंदिर में सभी 108 कलश को रख दिया गया। इस यात्रा में लगभग 250 लोग शामिल हुए। यह कलश यात्रा लगभग 10 किलोमीटर की रही। इस कलश यात्रा में श्रद्धालु बड़ी निष्ठा से शामिल हुए। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के व्यवस्थापक रिटायर्ड डिप्टी आर्यमो ने टीएन सिंह ने क्या कुछ कहा। बताओ, ये पुस्तैनी मंदिर था, इसका जीर्णोद्धार किया गया माँ काली, ये हाँ काली माता का जी। ये हम लोगों को तो होश नहीं कब से है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 150 वर्ष पुराना है मंदिर। और चूंकि बहुत जीर्ण हालत में पहुंच गया था, तो गांव वालों से सबसे राय लेकर के युवक इसको किसी तरह से बढ़िया कर दिया जाए। सबका सहयोग रहा और आज आप यहाँ खड़े हैं। आप ही बताओ कि देखने में कैसा लग रहा है। कैलाश यात्रा कहाँ से शुरू? कलश यात्रा शुरू तो यहाँ पहाड़ी बाबा के मंदिर से हुई थी, और वहाँ से होते हुए बूढ़नपुर होते हुए फिर रानीपुर गांव के दुर्गा मंदिर होते हुए फिर चक्रोड पकड़ के गांव के बीच से शंकर मंदिर पहुँचते हुए वहाँ से फिर गली के रास्ते होकर के हनुमान मंदिर की पूर्ण परिक्रमा करते हुए घर पर आ गए। लगभग कितने मंदिरों की परिक्रमा हुई हो? अब आप ये समझ लें कि 1, 2, 3 मंदिर और 4 पहाड़ी बाबा को लेकर 4 मंदिर की परिक्रमा हुई। दूरी कितनी रही होगी? दूरी कितनी तो समझते हैं 5 किलोमीटर से कम नहीं। इसमें गांव के लोग ही सहयोग कर रहे हैं कि क्षेत्र के भी लोग हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल गांव के ही लोग थे। गांव के ही लोग और अच्छा सहयोग किया। संख्या लगभग कितनी रही होगी? लगभग आप समझ लें 400 की संख्या रही है। 108 कलश जी। लेकिन गांव की जो भीड़ है वो समस्त ग्रामवासी थे। अब कलश यात्रा के बाद क्या होगा? अब इसके बाद ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा पंडित जी करेंगे। कितने दिन का है ये? 11 तारीख से आज हो गई, 16 तारीख तक ये प्राण प्रतिष्ठा है, और फिर 17 तारीख से 18 तारीख रामायण होगा। अच्छा, रामायण की पूर्णावधि जो है वो 18 तारीख को, उसमें मेरी तरफ से आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित हैं। अच्छा, इसमें बताइए कथा, जैसे कथा जो पूजन होगी जी प्राण प्रतिष्ठा जी, इसके उपरांत कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन वगैरह कुछ? नहीं, प्रवचन नहीं, ऐसा ये जो भी करना है ये पंडित जी उसी प्रवचन में ही कर, मंत्र है लोगों का, मंत्रोच्चार होगा, मंत्रोच्चारण के रूप में। कोई नवीन मूर्ति की स्थापना होगी? नहीं, मूर्ति वही है, चूँकि हटा दी गई थी इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जरूरी थी, जैसा कि गुरु जी ने कहा, तो मूर्ति वही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से खबर है जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय मंदूरी पर मासिक बैठक सपा कार्यकर्ताओं की संपन्न हुई है, जिसमें बूथों को सही करने, बूथ अध्यक्षों के सत्यापन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी 13 तारीख को भारत कोकिलार सरोजनी नायडू की जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर होने वाले महिला घेरा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने सेक्टर प्रभारियों को निर्देशित किया और कहा कि सभी पूर्व अध्यक्षों के नंबर, आईडी प्रूफ, नाम सही हों, साथ ही महीने में एक बार मुलाकात जरूर करें,
तथा 13 तारीख को भारत कोकिला सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर महिला घेरा कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी हो। इस कार्यक्रम में गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, गोपालपुर विधानसभा उपाध्यक्ष खिलाड़ी प्रसाद राजपुर सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आएं, जल्द पाएं। संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ के मोहब्बतपुर में प्रस्तावित विश्वविद्यालय को जनपद अंबेडकर नगर की सीमा में स्थानांतरित करने पर विरोध जताते हुए राष्ट्रवादी व अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जनपद आजमगढ़ में ही राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग किया है। शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा सुनिश्चित हो पाई थी। जनपदवासियों के मांग पर भूमि की रजिस्ट्री अधिग्रहण के पश्चात भुगतान होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा साजिश के तहत लोलैंड बताकर जनपद अंबेडकर नगर में स्थानांतरित करने की मंशा आजमगढ़वासियों के साथ छलावा होगा, जो छात्रहित न्यायहित में नहीं है। पंडित राहुल सांकृत्यान व ऋषि मुनियों साहित्यकारों की धरती पर ही विश्वविद्यालय का निर्माण होना जनपद एवं छात्रहित में न्यायोचित होगा। क्या कुछ कहा शशांक शेखर ने, आपको सुनवाते हैं। मार्ग पर प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय को जनपद अंबेडकर नगर की सीमा में स्थानांतरित किए जाने की जो साजिश हो रही है, इसका राष्ट्रवादी युवाधिकार मंच विरोध दर्ज करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र के माध्यम से हम अवगत करा रहे हैं कि जो आजमगढ़ के मऊ मार्ग पर शाहगढ़ स्थित मोहब्बतपुर गांव में जो पूर्व में प्रस्तावित जो भूमि है, उसी पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाए, वहीं राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण हो, संबंधित अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी आदेशित करने की कृपा करें। सरकार से मैंने मांग किया है कि जनपद आजमगढ़ को हमेशा उपेक्षा का शिकार बनाया गया है, जनपद आजमगढ़ के साथ साजिश होती रही है। हो सकता है कि साजिश के तहत अंबेडकर नगर की सीमा में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जबकि पूर्व में इन्हीं अधिकारियों द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां की युवती का अश्लील वीडियो युवक द्वारा वायरल किया गया है। इसको लेकर के युवती के अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिलकर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवती ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा है कि युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और जान माल की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो पीड़िता का कहना है कि युवक द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया गया है और वीडियो वायरल कर दिया गया है। इस बाबत क्या कुछ कहा पीड़िता और एसपी आजमगढ़ ने, आपको दोनों लोगों की बात बारी बारी से सुनवाते हैं। सर, जो है कि हमारे गांव का एक लड़का पुत्र राहुल पुत्र नरेश, सर यह हमें शादी का झांसा देकर सर हमारे साथ गलत संबंध बनाकर गलत तरीके से वीडियो तैयार किया, फिर सर जो है कि उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके सर हमारा शारीरिक शोषण करता रहा। और जब मैं शादी की बात की और शादी के लिए दबाव डालने लगे, सर वह वीडियो को वायरल किया और सर बोला कि अगर तू थाने पे जाएगी तो तुरंत तेरे परिवार को और तुझे ख़त्म कर दूंगा। सर फिर हम जो है कि 31 जनवरी को सर वहाँ पे मुकदमा दर्ज करवाए, तो सर जो है कि वहाँ पे राहुल आदि के द्वारा मुकदमे पर दबाव लगाया गया। तो अफवाह ना तो हमसे शादी करना चाहता है और ना ही हमें जिंदा देखना चाहता है। कल रात को ही हमारे घर आया और बोला कि मुकदमा को वापस ले ले, नहीं तो मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से ख़त्म कर दूंगा। किसका दबाव है सर? हाँ, कुछ लोग। कौन कौन है सर? हमें नामूम नहीं पता उन लोगों का। कितने दिनों से शारीरिक शोषण करता था वो? हाँ सर, कितने दिनों से शारीरिक शोषण करता था? कितने वर्ष से चल रहा था ये सर? ब्लैकमेल कितने दिन से कर रहा है? थाने पे क्या हुआ? सर वहाँ पे उन्होंने कहा है कि उस लड़के को जल्द से गिरफ्तार करिए, नहीं तो जो है कि उसके घर पर ना मिले तो उसके घर को तोड़िए। सर हम भी चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो सर वो हमारे परिवार को और हमें जल्द से जल्द खत्म कर देगा। सर, गंभीरपुर का मामला ऐसा जो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल कर रहा है, एक इसमें एक अभियोग पंजीकृत पहले थाना गंभीरपुर में हुआ था, जो धारा 506 और 66 IT Act के
अंतर्गत हुआ था। इसमें आज महिला मेरे समक्ष पेश हुई और उसके द्वारा बताया गया कि वो उसके साथ उसने दुराचार भी किया है। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया संबंधित थानाध्यक्ष और विवेचक को कि इसमें तत्काल धाराओं की बढ़ोतरी करें, तदनुसार बयान लिखे और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। ठीक है, निजामा बनो।